तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज का हम दोस्तों ब्लॉग करते हैं आज स्टार्ट। आज आप नोट देखिए, मशीन में लेकर आए हैं, ये वाला पैकेट लगा दिए हैं गाड़ी खाली करने वाला। इसको दोस्तों आज हम गाड़ी खाली करेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, एक इधर कैट का लोडर खड़ा है, इधर हमारी मशीन है, एक और मशीन देखिए उसमें बाकेट लगाए हैं हम। तो चलते हैं, उसको भी आपको दिखाते हैं कैसे बाकेट लगाए हैं। वहाँ पर एक और बाकेट रखे हैं, देखिए दोस्तों कितना बड़ा कैंप है हम लोग का ये सारा। उधर DBM प्लांट लगा है दोस्तों, चल रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो करेंगे स्टार्ट, आप लोगों को दिखाएंगे कंटिन्यू। हमारे वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों देखिए ये वाला इसमें लगा दिए हैं खोल के यहाँ से, ये तो इसमें रहता ही है, ये यार टूट गया है गाड़ी खाली करते समय टूट गया है। उसको दिखाते हैं आप लोग को कैसे सेटिंग किए हैं, चलते हैं। तो देखिए ये वाला निकाल दिए हैं अपना, ये इसी मशीन का है ये भी। देखिए दोस्तों इसमें बाकेट लगा दिए कैसे, ये वाला खोल के ना यहाँ से जो लॉक है निकल जाता है, ये वाला लॉक उसमें लग जाता है दोस्तों। आप लोग को दिखाते, देखिए 3 नंबर मशीन है वो, जो छड़ी है उधर उधर, वो छड़ी है जो 4 नंबर मशीन है, ये लोडर 3 नंबर दोस्तों कैट से, ये भोपाल से आया है दोस्तों। ये सब तो नई मशीन यहीं उतरी थी, आप लोग को दिखाते हैं इसी तरह। देखिए इधर से इसका देखिए, ये वाला लॉक, ये जो लॉक है ना, ये वाला लॉक इसमें फंस जाता है। ये देखिए आधा अभी फंसा है, आधा नहीं, इस ये लॉक ख़राब हो गया है। इसमें खोल के इसको लगा देते हैं, चलते हैं आपको इधर से दिखाते हैं। देखिए यही मशीन पलटी थी, यहाँ थोड़ा स्क्रेच आ गया था। यहाँ देखिए इसका ढोलकी जो है ना, ये फट गया था, ये ढोलकी जो ये वाला है टूट गया था, ये दूसरा लगा, ये पाइप भी फट गया इस मशीन का दोस्तों। इसमें आपको दिखाते हैं ये खोल के इंजन, ये दोस्तों इसका इंजन, यहाँ से देखिए इंजन ऑयल दोस्तों चेक किया जाता है। आप लोग को एक वीडियो में तो बताए थे, यहाँ से इंजन ऑयल चेक करा जाता है, वहाँ से ट्रांसमिशन दोस्तों। ये वाटर सेपरेटर है, देखिए ये डीजल पंप है दोस्तों, यहाँ से ऑयल डलाता है, यहाँ से ये इंजन ऑयल पंप वो है, फिल्टर है, ये इंसुलेटर वायर है, यहाँ देखिए यहाँ से इंसुलेटर इसका है दोस्तों। ये है वो एयर क्लीनर, देखिए यहाँ से इसका लॉक है, ये लॉक भी ख़राब हो गया है, यहाँ से इसको कर देते हैं। देखिए वाला लॉक करके ऊपर इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करके से बस बंद हो गया दोस्तों। ये देखिए इसका टायर में कितना अभी कट लग गया है उस मशीन का, नया मशीन के अरे ख़त्म कर दिए, सही भी टेढ़ा कर दिए सब सारे, कितना खतरनाक टायर में कट लगा है। ये वाला देखिए जो चक है ना, ये वाला थोड़ा डैमेज हो गया है, ये वाला इतना ही तक जाता है डैम, ये पूरा टूट गया है। यही वाला देखिए दोस्तों लॉक, ये होता है, ये वाला ख़राब हो गया है, इसको हम सही कराएंगे। इसको देखिए ये बोल्ट है तो ये कट गया है, ये मशीन का ये पिन भी निकल गया था, यहाँ पे एक बोल्ट रहता है इसमें लगाया जाता है, ये नहीं लगाया जाता दोस्तों, इससे दिक्कत होता है, यहाँ पर अट जाता है मशीन। देखिए दागी हो गया, पूरा सिलेंडर पर लोड पड़ जाता है दोस्तों। कंपनी वाले क्या करें यार, नहीं लगवा रहे हैं सब बोल्ट, तो वेल्डिंग करवा दिए हम तो। ये इसका सिलेंडर भी लीक कर रहा है, सील चेंज करना है, आप लोग को दिखाएँगे किसी दिन। सील जब आया नहीं है, जब सील आ जाएगा चेंज होगा तो आप लोग को वीडियो बना कर दिखाएंगे कैसे सील चेंज किया जाता है। क्या हो गया? ये इसका पिन भी आ रहा है, इतना निकला है पिन भी सारा है, इसको ख़त्म कर दिया सब दोस्तों, इस मशीन की कहानी ख़त्म कर दिया। इसका बैटरी का ढक्कन दोस्तों देखिए निकल गया है, शीशा भी तोड़ दिया सब, तो अभी हम पेपर चिपकाएँ इसमें गत्ता, आप लोग को दिखाते रहेंगे। देखिए इसका मशीन का पूरा रिव्यू करते हैं, चलते हैं दोस्तों, देखते हैं उस मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसका भी सारा ये बाकी टूट गया है, तो सारा इसमें भी टूट गया है, वेल्डिंग कराए अभी तो हम। देखिए इसमें भी सारा नज़दीक से देखिए सारा ये टूट गया है, देखिए इस साइड पे ये तो दूसरा लगा है सब, ये एक है ही नहीं। चलते हैं, देखिए दोस्तों ये स्टार्ट हो गई मशीन, उस्ताद लेके जा रहे हैं, सुबह सुबह पहले चेक कर लिया जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना बड़ा दोस्तों हम लोग का कैंप है, चल दिए उस्ताद मशीन लेके, उस मशीन में चलते देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको भी आप लोग को दिखाते हैं। ये इसमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यही टूटा फाटा है, इसमें भी है तो वेल्डिंग लगा है दोस्तों।
को देखते हैं इधर इसमें कहीं टायर में। ये तो अभी सही मशीन है, इसमें भी यहाँ से हाइड्रोलिक लीकेज कर रहा था दोस्तों, तो इसको भी सही किया जाए। इसमें देखिए मशीनें तो सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा उतना, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका भी बूस उस पिन उन देखिए कट गया पूरा, ये इसका भी सही नहीं काम करा रहे हैं, क्या करें हम लोग। इधर आप लोग को दिखाते रहेंगे तब तक देखिए, ये भी मशीन लड़ गई थी दोस्तों, देखिए स्क्रेच आ गया ये पूरा इसके, इसमें भी देखिए सारा टूट फाट गया था। तो ओपन देखिए दोस्तों, इसका भी ये सारा डैमेज हो गया, टूट टाट गया सारे लड़ा दे से, देखिए इंडिकेटर भी टूट गया यार नई मशीन की, ऐसे यार चलाते हैं सभी लोग। देखिए ऐसे आप लोग को दिखाते रहेंगे, तो अंदर से चलते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। इसमें तो अभी अंदर अंदर सारा सही है इसके अंदर, ये भी इसका बैटरी उटरी भी सही है, इसका कांच उच नहीं टूटा है, तो इसमें भी सेम वही सब सिस्टम है दोस्तों। ये देखिए आप लोग को कई नंबर मशीन है दिखाते हैं, ऊपर लिखा है शायद, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 नंबर ये है दोस्तों, देखिए